भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपना देव सकल के आंतरिक अभिनंदन। ओ भालो बासा जानाई, ए बांगलार पवित्र भूमि मालदोई, ऐसे आमी निजे के धन्यो माने कारिछे। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष माननीय श्री विश्वप्रिया राय चौधरी जी, केंद्रीय मंत्रीगण श्रीमती देवाश्री चौधरी जी, माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी, माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी, माननीय सांसद श्री खगेन मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अरविंद मेनन जी, प्रदेश सहकारी संगठन संपादक श्री किशोर बर्मन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रीमान श्री सायंतन बोस जी, बीजेपी प्रभारी उत्तर बंगाल श्रीमान श्याम चंद्र घोष जी, जिला के अध्यक्ष गोविंद चंद मंडल जी, अजीत दास जी, हिरेन चटर्जी जी, शुभेंदु सरकार जी, शंकर चक्रवर्ती जी, माननीय विधायक श्री साधन सरकार जी, जोयल मुर्मू जी, श्रीमती दीपाली विश्वास जी, गोपाल चंद साहा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में इस परिवर्तन यात्रा के साथ साक्षी बने हुए मालदार उत्तर बंगाल के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे वंदे मातरम के अमर घोष से संपूर्ण देश के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली इस वीर भूमि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर की धरा और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र की इस पावन धरती के साथ ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस पावन भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मालदा भारत की सनातन संस्कृति की भूमि है और भारत की सनातन संस्कृति की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस परिवर्तन यात्रा में आपके साथ सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की इस पावन भूमि ने पूरे भारत के अंदर
वैष्णव परंपरा का प्रचार प्रसार करने में जिस बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, यह भूमि वैष्णवपाद के महान ध्वजाधारी गौरी वैष्णव जीवा गोस्वामी देवाजी की जन्म देने वाली भूमि भी है। स्वाभाविक रूप से बंगाल भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की धरती रही है। लेकिन आज जब बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं, तो पूरे देश को पीड़ा होती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है कि हमें एक बार फिर से बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, बंगाल हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। याद करिए, जब देश के अंदर स्वाधीनता की अलग जगानी थी तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी धरती से वंदे मातरम का उद्घोष किया था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने भारत की सुप्त चेतना को जागृत करके पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता का जो संचार किया था, आज भी हर भारतीय अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान करके भारत के स्वाभिमान और सम्मान का अलग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। ये धरती गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जिसने भारत को भारत का राष्ट्र ज्ञान भी दिया और राष्ट्रगान के साथ ही इस धरती से ही हम सब जानते हैं कि यही वह धरती है जिसने साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबल प्राइज भी भारत को देने का कार्य किया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस अमर कृति गीतांजलि के माध्यम से। लेकिन आज बंगाल कहां चला गया है? कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है? आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है। और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौहत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है
याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं। होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको? और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई राम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं? ये आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मित्रों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सब के संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा, सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार तिलमिला जाती है। यहां की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहां की जनता के साथ कोई लेने देना नहीं। और यही कारण है कि यहां की सरकार केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ यहां के नागरिकों को देने में पूरी तरह फेल है। मित्रों, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश से। हमने उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें इस रूप में की जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है, और उस व्यापक परिवर्तन के कारण आज आप देखते होंगे यहां पर गर्मियों में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें बंगाल में आज भी होती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर अज्ञात बीमारी दिखा करके इस बीमारी से होने वाली मौतों को छुपाने का कार्य टीएमसी की सरकार करती है। इससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार भी यही बंगाल के अंदर करती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा और उनकी कृपा से स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक गरीब परिवार के घर में एक एक शौचालय बना दिया, हर एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुका है, कोई मौत इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। मित्रों, 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को आवास मिला है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख परिवारों को एक एक आवास। मैं आ रहा था अभी बाग डोगरा से, मैं देख रहा था मालदा तक एक भी गरीब व्यक्ति का पक्का मकान नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता है? यहाँ के बंगाल के गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि यहाँ की सरकार रुचि नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को, 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है। वह कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जाएगा, उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ हर वर्ष प्राप्त हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का लाभ बंगाल के गरीबों को, बंगाल के नागरिकों को टीएमसी की सरकार क्यों नहीं देने जा रही है? क्योंकि उसे मालूम है अगर वह इन गरीबों को इसका लाभ दे देगी तो फिर वह वोट बैंक नहीं बना पाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 42 लाख किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को नहीं लागू करने दिया गया। ममता दीदी ने ये पैसा यहाँ के किसानों के खाते में नहीं देने दिया किसानों को इसका लाभ मिले, उन्होंने इसको बंगाल में लागू ही नहीं करने दिया गया। नेशनल प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अगर बंगाल का व्यक्ति बंगाल के अंदर चाहे तो बंगाल के अंदर, और अगर उसकी मर्जी आए तो वह देश के अंदर जहां कहीं रहता है राशन कार्ड से राशन लेने का लाभ ले सकता है। लेकिन टीएमसी की सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी को यहां लागू ही नहीं करने दिया, जिससे बंगाल के नागरिकों को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। केवल चंद टीएमसी के गुंडे खाद्यान्न घोटाले में लिप्त होकर के यहां के नागरिकों के खाद्यान्न को हजम करने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। और इसीलिए आज हम सब परिवर्तन यात्रा में आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही हो, जिस सरकार को कानून का राज स्थापित करने में नहीं, जिस सरकार को एन केन प्रकार सत्ता में बना रहना ही अपना एकमात्र उसने युद्ध धर्म बना लिया हो, उस सरकार के साथ जो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बंगाल के भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, ये परिवर्तन यात्रा में जो उमड़ा हुआ जन सैलाब है, ये बंगाल के परिवर्तन का साक्षी बन करके इस परिवर्तन का बाग बनने के लिए उतारू हो गया है। और ये बाग इस रूप में उतारू हो चुका है, उसने संकल्प ले लिया है
मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य किया गया, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मित्रों, आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने कोरोना कालखंड के अंदर गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब को फ्री में राशन देने का काम किया, हर गरीब को गरीब कल्याण पैकेज का लाभ दिया, जनधन अकाउंट धारी को 500 रुपये महीने लगातार 3 महीने तक देने का कार्य किया, हर वृद्धजन को, हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांग जन को भी उन्होंने 1,000 रुपये की राशि भरण पोषण की राशि उपलब्ध कराई, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लोगों को भी उस दौरान अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था उन्होंने उस समय की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी उन्होंने एमएसएमई के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए, भारत के गांव के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए एक बेहतर पैकेज की घोषणा की। कोरोना प्रबंधन में चाहे वह जिस भी राज्य ने जो डिमांड की, राज्यों को तो उसका लाभ दिया ही, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत के वैज्ञानिकों के, जिन्होंने भारत को कोरोना से बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी दिए, और वैक्सीन इस समय युद्ध स्तर पर लग रहे हैं। कल से आपने देखा होगा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। ये 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना और भारत के नागरिकों के साथ साथ दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन पहुंचाना, यह एक नया भारत की वो तस्वीर है जो दुनिया के अंदर भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास करा रहा है। और उस नए भारत के साथ नए बंगाल को भी आगे आकर की इस अंगड़ाई में सहभागी बनना पड़ेगा, और इसी आह्वान के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। कल्पना करिए, ये बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार ने, उससे पहले कम्युनिस्टों ने, उससे पहले कांग्रेस ने कितनी बदहाल स्थिति पैदा कर दी है। मित्रों, मुझे याद है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारत का हर नौजवान अपनी रोजगार के लिए बंगाल आता था, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों के अंदर बंगाल को बदहाल कर दिया इन सभी लोगों ने। आज बंगाल अर्थव्यवस्था में काफी पीछे चला गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी रोजी रोजगार के लिए बंगाल आता था, और आज मैं देखता हूं बंगाल का व्यक्ति रोजी रोजगार के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। आखिर बंगाल आपका पश्चिमी बंगाल क्यों नहीं बन सकता है, जबकि संभावनाएं थी यहां पर, लेकिन यहां की सरकार ने उस प्रकार की सोच ही पैदा नहीं होने दी है। ये विकास में रुचि नहीं लेना चाहते, और विकास के साथ, विकास में तो रुचि नहीं लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में जब देश के अंदर सरकार आई, पहले गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनी, गरीबों के कल्याण के लिए बननी वाली योजनाओं के साथ फिर उन्होंने देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। याद करिए 5 अगस्त 2019 की तिथि, देश के अंदर आतंकवाद की प्रतीक बनी धारा 370 को हटाने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। याद करिए इसी धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा की थी, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उन्होंने कश्मीर मुक्ति के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया था। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने,
और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर की धरती से पूरी तरह समाप्त करके आज कश्मीर भारत के संविधान और भारत के कानून के अनुरूप भारत की व्यवस्था के साथ चल करके विकास की एक नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। मित्रों, 500 वर्षों से हर भारतीय जनमानस की अभिलाषा थी, वह अभिलाषा थी जिसके लिए बंगाल से भी कार सेवा करने के लिए हजारों नौजवान गए थे। श्री राम कोठारी और शरद कोठारी के बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है, जिन्होंने अयोध्या में बाबरी ढांचे को हटाने के लिए अपना बलिदान दिया था और आज उस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार किया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, आपने निधि समर्पण के आयोजन के साथ बंगाल के लोगों ने जो योगदान किया है, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ आपका समर्पण और आपका सहयोग प्राप्त हो गया है। इस परिवर्तन के साथ जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ करके बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दर्शन करके बंगाल को बचाने और भारत बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के आह्वान के साथ हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, आज जब टीएमसी की सरकार सुश्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विफल हो चुकी है, तब उनके द्वारा तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप और पल्ला किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणियां और जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति इस तेजी के साथ आपा खो दे, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें और जिस प्रकार की वक्तव्य दिए जा रहे हैं, ये बंगाल का अपमान है, बंगाल के नागरिकों के साथ धोखा है। आप देख रहे हैं गंगा मैया तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिमी बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा मैया तो भारत की एकात्मता की एक बहुत पवित्र धारा का एहसास हम सबको कराती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हम सब को जोड़ती है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की इस एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को तो बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और साथ साथ गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी
और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ, किसी पर्व और त्योहार को कोई मनाने से रोक नहीं सकता, कोई भी यात्रा वहां पर आज प्रतिबंधित नहीं है। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहां की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था तो यहां की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पढ़ने देंगे। और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं, पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गौ तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है, उनके समर्थन में सत्ता के यहां पर वक्तव्य आते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है इन सब बातों को लेकर के, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत अपनी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई है और बंगाल की धरती का यह संदेश एक बार फिर से पूरे देश के अंदर गूंजना चाहिए कि जो कार्य कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से आह्वान करता था और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था, स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य तो भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था, भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का, वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक मंत्र था स्वामी विवेकानंद। इस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। रामकृष्ण परमहंस की साधना से पवित्र इस धरती ने, स्वामी प्रणवानंद जी की साधना से पवित्र इस धरती ने भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी, जिसने भारत के अंदर देखते ही देखते आजादी के बंधनों को वंदे मातरम के इस मंत्र के माध्यम से विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के एक नया जोश और एक नया तेज दिया था। और भाइयों बहनों, एक बार फिर से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल के सामाजिक और यहां आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके बंगाल की पहचान को अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर आपके साथ आपके पास विधानसभा चुनाव के माध्यम से आया है। मैं आप सभी का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता केवल अब ये एक महीने का मात्र समय है, एक महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। ये आपका जमावड़ा
इस बात को प्रदर्शित करता है। तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। और मैं कह सकता हूं, मैं देख रहा था एक तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने इस बेरहमी के साथ पीटा और उनके मुंह पर जो सूजन था उसको देखते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे कि कितने बेरहम और बर्बर हैं ये लोग कि एक महिला को भी नहीं छोड़ते। और अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस का काम है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, प्रशासन का काम है, शासन का काम है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन अगर शासन और प्रशासन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वक्तव्य दें कि सूजन तो घर के विवाद का है, ये पीटने से नहीं सूजन आया है, ये सूजन तो दिखाई दे रहा है मुंह पे, चोट के निशान है, और तब भी बयान दिया जा रहा है कि ये सूजन तो मामूली से विवाद के कारण खड़ा हुआ है। आश्चर्य होता है मुझे, ये पार्टी बनकर के काम करना बंद करे। और मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं, भाइयों बहनों, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, बस अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। और तब उस समय के लिए हम सबको अपने को तैयार करना होगा, सारे मतभेदों को भुला करके बंगाल को उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए, बंगाल को विकास की राह पर ले चलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बंगाल के नागरिकों को भी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बंगाल के नौजवानों के लिए भी अच्छे अवसर होने चाहिए, बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, बंगाल के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना ही चाहिए, और बंगाल के गरीबों को भी स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना ही चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार जब मिलेगी, डबल इंजन की सरकार आपके विकास को उतनी ही गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ये परिवर्तन यात्रा, इसी विश्वास के साथ आज यहां पर इस आयोजन के साथ यहां पर आज यह आयोजन इसी उद्देश्य से संपन्न हो रहा है। मैं आप सबको, अभी हमारा होली का पर्व होने जा रहा है, होली पूरी भव्यता के साथ मनाई जाती है, होली के आयोजन के साथ आप सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और होली के उत्सव को चुनाव के साथ जोड़ते हुए ये रंग बिरंगी होली 2 मई को बंगाल के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए, इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।